हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 का एग्जाम दिया है, तो वो सभी एक क्वेरी पूछ रहे थे मुझसे कि जो एग्जाम का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट ईयर्स में जैसा अभी तक हुआ है तो जो रिजल्ट है आपका वो एग्जैक्टली 1 वीक में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने 2022 का प्रोस्पेक्टस खोल रखा है एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर इन्होंने स्पेसिफिक डेट को मेंशन किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अभी रिजल्ट की जो डेट यहां पर मेंशन की गई है, यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एट ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। इसमें लिखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली ऑनलाइन मोड। इसकी जो डेट दी गई है 18th of June दी गई है 2022 सैटरडे को, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट जो दी गई है वो दी गई है यहां पर 24 जून। ठीक है, बेसिकली 1 वीक का अगर टाइम देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 25 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना था, लेकिन 24 जून को ये लोग इसलिए रिजल्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि 25th of June को जो है एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है। तो हो सकता है कि उनका जो स्टाफ है वो उन सब चीजों को, उन प्रोसीजर्स को मेंटेन करने के लिए बिजी रहेगा, तो इसकी वजह से जो है आपका रिजल्ट की जो डेट यहां पर टेंटेटिव दी गई है, एक्सपेक्टेड डेट, वो 24th of June यहां पर दी गई है। ठीक है, इनकेस अगर 24 जून को नहीं आता, किसी वजह से डिले हो जाता है कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो 25 तक आपका रिजल्ट ऑब्वियसली आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर्स में भी ऐसा ही देखा गया है, एग्जैक्टली 1 वीक में रिजल्ट आ जाता है। मतलब कि अगर अभी एग्जाम हुआ है तो आपका जो नेक्स्ट 7th डे होगा, ठीक है, तो उस टाइम जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब कि जैसे सैटरडे को एग्जाम हुआ है तो सैटरडे तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो डेट दी गई है फ्राइडे दी गई है, तो 24 जून को इन केस 1% अगर नहीं आया रिजल्ट, वैसे इन्होंने लिखा है तो 99% रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन नहीं आता है तो आपका 25th जून तक कंफर्म जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डिले होगा नहीं, और इसके आगे की जो प्रोसेस होगा काउंसलिंग वगैरह का, वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़े रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।